आई गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं क्लॉथ। अगर क्लॉथ मॉडलिंग की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, पहले तो फाइल को रीसेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे अगर कोई भी काम करना है तो पहले चीज़ों को मैं मैनेज करके करूँगा। ठीक है, फ्रंट पे आके यहाँ पे मुझे अगर काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिक एक शेप लेता हूँ और शेप मेरे पास क्या होगा, पॉली प्लेन ले लिया मैंने। ठीक है, पॉली प्लेन लेके मैं इसको यहाँ पर रोटेशन दे देता हूँ। यहाँ पर रोटेशन पे गए, यहाँ पर मैंने कर दिया 90। ठीक है, क्लॉथ के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होता है, क्लॉथ के अंदर सेगमेंट्स बहुत अच्छे खास होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करते, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, स्केल कर दिया यहाँ पे, परस्पेक्टिव पे गए, इसके अंदर मुझे सेगमेंट्स अच्छे खासे चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ऊपर तरफ रख देते हैं। ठीक है, एक तो मैं सेगमेंट दे सकता हूँ, दूसरी पार्ट में इसको मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। फिर इसके अंदर मुझे चीज़ों को थोड़ा वेटेड दिखाना भी है। अभी यहाँ से अगर मैं बेसिक शेप अगर मैं बनाता हूँ, मैं बस बेसिक शेप में क्या, जैसे मैंने अभी क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया और मैंने क्या किया, स्विफ्ट एंड एक्सट्रूड, कौन सा लंबा सा है ना, तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बटन मैंने यहाँ पे दिए, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, मेरे पास इस एजेस की नीड नहीं है, तो मैंने क्या किया, रिंग कर दिया, रिंग रिंग में नीचे वाले को और ऊपर वाले को छोड़ दो, फिर लूप कर दो, स्विफ्ट एंड डिलीट कर दो, तो एजेस मेरे चले गए यहाँ पे। अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं सेगमेंट दे सकता हूँ, तो सेलेक्ट कर दिया, स्विफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल एजेस है, मैंने कहा भाई मुझे 50 तो चाहिए कम से कम 50। ठीक है, काम आ रहा है, तो सेगमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया, आप ऐसे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, इसे मैंने अरेंजमेंट करने के लिए दिया, आप बाय डिफॉल्ट भी आप मैनेज करके दे सकते हो तो आपका काम आसानी से हो सकता है। इसके बाद अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे मैं पे काम करूँ, सेलेक्ट कर दिया, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री। अभी यहाँ मुझे क्लॉथ बनाया, क्लॉथ में मुझे इतने सेगमेंट भी कम पड़ेंगे, स्विफ्ट एंड स्मूथ आया, तो मैंने डिवीजन दे दिया यहाँ पर। क्लॉथ का मतलब आपके पास हैवी सेगमेंट चाहिए तब जाके आप क्लॉथ बना पाओगे। ठीक है, तभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने अभी कुछ काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, मेरे पास यहाँ पे होता है एफएक्स होता है। ठीक है, एफएक्स पे गए, इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मिलता है एन क्लॉथ, एन क्लॉथ में गए, क्रिएट एन क्लॉथ, काम खत्म, आपका क्लॉथ बन गया। ठीक है, फर्स्ट पे जाओ, देखो नीचे दिख रहा है एक लाइन दौड़ते जा रही, खत्म हो गया, यहाँ पे प्ले करो, आपका क्लॉथ नीचे जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, मैंने कहा एक काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे देखो चीज़ नज़र आ रही मेरे पास यहाँ पे। अभी इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास अगर यहाँ पे कुछ काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, एक को सेलेक्ट कर दिया, दूसरे को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, मेरे पास अलग अलग कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास कंपोनेंट कॉन्स्टेंट है, पॉइंट टू सर्फेस, स्लाइस सर्फेस, टीयरेबल, टीयरेबल मतलब अगर चीज़ों को मुझे फाड़ना है तो टीयरेबल के लिए यहाँ पे काम होगा, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, प्ले करो, प्ले करने के बाद आपको दिख रहा है क्लॉथ आ रहा है, लुक एंड फील। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जो मैंने क्लॉथ लिया, क्लॉथ में क्या, क्लॉथ में हल्का सा बीच में रिंकल्स हैं। अभी इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को देख सकता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके देना है, भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, तो मैं देखो यहाँ पे दोनों में ट्रांसफॉर्म क्या है, ये पॉइंट देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। तो अभी यहाँ से जब मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, नहीं देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मैंने ट्रांसफॉर्म लिया यहाँ पे, एक को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैं इसके हाथ मैंने क्या कर दिया, एक को दूसरे एक ऑप्शन लेता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक तो ट्रांसफॉर्म में पता चला, दूसरा पार्ट अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉली सिलेंडर ले लेते हैं यहाँ पे, रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे 90 कर दो यहाँ पे 90। ठीक है, आर फॉर स्केल। ठीक है, अभी यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ, ऐसे तो आप मॉडल करना चाहो तो मॉडल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आप स्कल्पिंग करके भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है। देखो यहाँ पे मैंने जैसे मैंने बताया ना, कॉन्स्टेंट में मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या है, जब मैं इन चीज़ों को अगर मैं पकड़ता हूँ, जैसे मैंने चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, चीज़ों को कैसे एनिमेट करें, एनिमेट करने का एक प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने देख लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे इसके काफ़ी वीडियोस हैं यहाँ पे, आप इसको मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। शेप्स के लिए आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक टोरस एंड यहाँ पे मैं दे दूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या कर दिया 90। ठीक है, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये दो पार्ट से मैं ये काम चला लूँगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे पार्ट दिखे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया और देन मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ से सेगमेंट्स को तो मैं समझ लेता हूँ, देखो सेगमेंट्स के अंदर देखो आप यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स को लिया मैंने इतना पूरा पैटर्न यहाँ से यहाँ तक, फ्रंट पे गए, यहाँ पे ध्यान से देखना, कोशिश करना इक्वल इक्वल लेने के लिए, ये पैटर्न मैंने इतना लिया, अब देखो 3 और 3 6 ऐसे करके। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, देन कॉन्स्टेंट में गए, स्लाइड टू सरफेस। ठीक है, कनेक्ट हो गया यहाँ पे गए। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे वर्टेक्स,
वर्टेक्स पे गए, यहाँ देखो देखना यहाँ पे इस वाले पैटर्न पे गए, मैंने यहाँ पे क्या कितना किया 3 and 3 6 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। सपोज यहाँ पे एन कॉन्स्टेंट में गए स्लाइड टू सरफेस। अभी यहाँ से अगर देखोगे आप जैसा प्ले कर रहे हो तो आपको यहाँ पे देखना पे अभी कुछ ऐसे कुछ नज़र नहीं आने वाला, देखो यहाँ पे, लेकिन बीच में दिखे, बीच में पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ओके। बीच में कुछ लाइनें भी नज़र आ जाएंगी आपको यहाँ पे, ओके। इसके सिवाय जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एस प्रेस कर दिया, एस फॉर सेट की, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे मैं गया 30 पे, थोड़ा सा टाइम देना 30-40 पे, और इसको मैंने सिर्फ इतना मूव किया, ऑटो की ऑन कर रखा है मेरे पास, यहाँ पे देखो ऑटो की आ गया। यहाँ पे सेम चीज़ यही काम आपको यहाँ पे क्या कर देना है, स्टार्टिंग पे गए इसको सेलेक्ट कर दिया, एस प्रेस कर दिया, 40 पे गए इसको मैंने यहाँ तक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आ रहे रिंकल्स, अभी जो रिंकल्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखो रिंकल्स के अंदर देखो ये चीज़ दिख रही है, मैं यहाँ पे बेसिक बताने के लिए ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ, मैं भी देखो यहाँ पे कितना पार्ट यहाँ पे आ रहा है, वो चीज़ में यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ ये काम। अगर मैं इसी को अगर मैं दूसरे वे में करूँ, जैसे एक तो मैंने क्लॉथ का बता दिया कि आपको बेसिक पार्ट नजर आ रहा है, लेकिन जब मुझे चीज़ों को मैच करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो रिंकल्स नजर आ रहा है आपके पास यहाँ पे, तो इन रिंकल्स के लिए आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि आप चीज़ों को कैसे क्या काम करो। और दूसरी चीज़ टियरेबल नहीं है, इसमें अल्फा से ट्रांसपेरेंट किया गया है, ये मत सोचना कि इसे फाड़ना नहीं है, ठीक है। आप इसको अगर मैनेज करना चाहो, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया, अब यहाँ पे मैं गया एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया यहाँ पे, सपोज जितना मैंने पार्ट लिया सब कुछ सेलेक्ट कर दिया मैंने, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे फुल एंड फाइनल मैनेज कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो दे रखा है स्टार्टिंग पे जाओ तो ये वापस यहीं आ रहा है, अरे क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको मैंने कर दिया डिलीट, इसको सेलेक्ट कर दिया, इतना मुझे चाहिए कंट्रोल डी, तो इसका ऑटोमेटिक हिस्ट्री डिलीट, आइए आइडिया है। अभी यहाँ से मैं सेप्स का अगर मैं ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जो मेरे इमेज है यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर दिया सेफ राइट क्लिक स्कल्प्ट टूल बी फॉर ब्रश, यहाँ से स्कल्पिंग पे गए, एम से यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ को मैनेज कर दिया यहाँ पे, यहाँ से मैं चीज़ों को देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ से तो बस चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ पेन टैबलेट सेगमेंट के साथ आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। बेसिक शेप्स आप लेके आ जाओ यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे ये बेसिक शेप आपको यहाँ पे देखेगा, देन आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करके आप दे सकते हो आप यहाँ पे, बिना सेगमेंट्स की चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र नहीं आने वाली है, ठीक है। देन आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो, ये शेप्स आप कैसे कर रहे हो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आइडिया मिल रहा है, तो इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा फुलफिल करें, ये कनेक्टिविटी में बस यहाँ से मिलेगा, तो मैं यहाँ पे यहाँ से मैंने ये मैनेज कर दिया, यहाँ से मैंने ये मैनेज कर दिया, और शिफ्ट एंड स्मूथ करके थोड़ा ब्लेंड भी कर देना है, जब तक अब इसे ब्लेंड नहीं होता तो मज़ा नहीं आएगा, क्या ये देखें डॉटेड डॉटेड नजर आएंगे, वो ये थोड़ा सा अनबैलेंस नजर आएगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है। तो स्कल्पिंग में भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ऐसी चीज़ें नजर आएंगे, ये भी एक तरीका है, ठीक है। इसके सिवाय अगर लगे कि नहीं मेरे पास कमांडिंग अच्छा है, तो मैंने कंट्रोल डी एक और किया मैंने यहाँ पर, मैंने क्या किया एजेस है मेरे पास यहाँ पर, एजेस को मैंने पकड़ा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो एक एजेस को यहाँ पर मैं पकड़ देता हूँ यहाँ पर, ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बी प्रेस कर दिया, बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन, बी से चीज़ों को कम कर दो आप यहाँ पे, नजर आ रहा है, ये आपने यहाँ पे बाहर निकाल दिया यहाँ पे, बी बी से रेडियस कम कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया। अब यहाँ पे मुझे ऊपर तक लेके नहीं जाना है, इसको मैंने कर दिया डी सेलेक्ट, यहाँ से मैं हल्का सा मैनेज कर देता हूँ, देख रहे ये पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे पार्ट ऐसे भी नजर आएगा, देख रहे अब ये पैटर्न भी आप यहाँ पे लेके आना चाहो तो लेके आ सकते हो। तो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप मैनेज कर लो चीज़ों को, फुलफिल कैसे करना है, ठीक है। बी सॉफ्ट सिलेक्शन के साथ आप मैनेज करो, आप यहाँ पे ऐसे भी आप मैनेज करके दिखा सकते हो। अभी जो पैटर्न है उन पैटर्न के साथ आपको मैनेज करना, तो आप यहाँ पे तो और चीज़ों को अरेंजमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया मैंने, आर फोर स्केल कर दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड दिखाया यहाँ पे, एंड बी से सॉफ्ट सिलेक्शन में मैनेज करके दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे करके मैं मैनेज करके दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे काम आएगा। इधर से मैं बस कट का भी ऑप्शन होता है यहाँ पे, मुझे कोई चीज़ कट करना है तो मैं कट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ऐसे ही करके दो तीन ऑप्शन है, इसके थ्रू आप यहाँ पे क्लॉथ के लिए काम कर सकते हो।